हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2C करेंगे, चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 3y4 क्रॉस 12y7। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 12 अपॉन 4 क्रॉस 17, राइट। ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, 4 से कट करेंगे, 4 3 12। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 क्रॉस 3 बाई 17, यानी कि 9y7, राइट। ऐसे ही, तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 7 बाई 9 क्रॉस 18 बाई 19। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 18 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई 9 क्रॉस 19। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ऊपर नीचे हम एक ही टेबल से काटते हैं, 9 की टेबल से ही ऊपर और 9 की टेबल से ही नीचे। तो क्या बचा वो लिख देते हैं, 7 क्रॉस 2 अपॉन 1 क्रॉस 19। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बटा 19। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है 8y15 क्रॉस 5 बाई 16। तो हम लिखेंगे 8 ऊपर मल्टीप्लाई 8 क्रॉस 5 अपॉन नीचे 15 क्रॉस 16, राइट। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 8 से कट करेंगे, 8 एकम 8, नीचे 8 से 8 दूनी 16। ऊपर क्या बचा हमारा, 1 क्रॉस 1 और नीचे क्या बचा, 3 क्रॉस 2। तो ये हो गया 1 क्रॉस 1 1 और 3 क्रॉस 2 6, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 बाई 26 क्रॉस 39 बाई 40। तो ऊपर मल्टीप्लाई 5 क्रॉस 39 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई 26 क्रॉस 40। अब देखेंगे कि कुछ कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 से काटेंगे, 5 8 40। तो ऊपर क्या बचा हमारा, 39 अपॉन 26 क्रॉस 8, राइट। तो इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, ऊपर बचा 39, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, हासिल लगा 4 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 39 बाई 208। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मल्टीप्लाई एंड राइट ईच आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें मल्टीप्लाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर देखना है। फर्स्ट पार्ट है 9 बाई 16 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 बाई 15, 10 बाई 27 से, फिर इससे, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे 9 बाई 16 क्रॉस 8 बाई 15। पहले 8 बाई 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15। तो ये बचा हमारे पास 3 क्रॉस 1, 8 एकम 8 हुआ ना, 3 क्रॉस 1 अपॉन 2 क्रॉस 5। तो ये हुआ 3 बाई 10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 3 बाई 10। अब सेकेंड है 10 बाई 27 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 9 बाई 16 क्रॉस 10 बाई 27। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्रॉस 10 अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, राइट। तो कट करेंगे, 9 3 27, 2 8 16, 2 5 10, राइट। अब तो ये कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 8 3 24, राइट। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 9 बाई 16 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 सही 7 बाई 9 से। तो लिखेंगे 9 बाई 16 क्रॉस, अब हमने देखा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसकी और इसकी ये होता है QRD की फॉर्म। तो Q और D का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9 क्रॉस 1 यानी कि 9 प्लस 7, 9 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 बटे 9, राइट। तो 16 से 16 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 1
सब जगह वन आएगा, नौ एकम नौ, नौ एकम नौ, सोलह एकम सोलह, सोलह एकम सोलह, यानी कि वन क्रॉस वन अपॉन वन क्रॉस वन, यानी कि वन, यानी कि इस पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाता है, वन। नेक्स्ट है 9/16 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 सही 5/9 से, तो क्या होगा 9/16 क्रॉस 9 × 27, मिक्स फ्रैक्शन है तो 9 × 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 28, 29, 30, 31, 32, 32/9, राइट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और जो कट रहा है उसको काट देंगे, 9 × 9, 9 × 9, 16 × 16, 16 × 32, तो क्या बचा 1 × 2 / 1 × 1, यानी कि बचा हमारे पास 2 × 2 / 1 × 1, यानी कि इस पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2, राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बी पार्ट, इसमें है 1 × 3/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5/8 से, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे, तो हम लिखेंगे 1 × 3/5 × 5/8, राइट। अब 1 × 3/5 हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 × 5, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 5 × 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8/5 × 5/8, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 8 × 8, 8 × 8, 5 × 5, 5 × 5, तो ऊपर क्या बचता है हमारा 1 × 1 अपॉन नीचे भी 1 × 1, तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाता है, 1, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे 1 × 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1/4 से, राइट। तो 5 × 5 × 3, 8/5, राइट, और 4 × 4, 1 और 4 की मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जोड़ देंगे 4 × 4 और 1 × 5, 5/4। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 8 × 5 / 5 × 4, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 × 4, 4 × 8, 5 × 5, 5 × 5, तो बचा क्या हमारे पास 2 और ये 1, 2 × 1 / 1 × 1, यानी कि 2/1, यानी कि आंसर हमारा हो जाता है 2, राइट। इस पार्ट का क्या आंसर है, 1 और इसका 2। नेक्स्ट है हमारा 1 × 3/5 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 15/16 से, राइट। तो कैसे करेंगे, 5 × 5 और 3, 8/5 क्रॉस 15/16, राइट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 15 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 = 15, 8 × 8 = 8, 8 × 16, तो क्या बचा हमारे पास 1 × 3 / 1 × 2, यानी कि 3 × 3, 3 × 3 और 2 × 2, यानी कि 3/2, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट पार्ट है 1 × 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3 × 3/4, तो इसको लिखेंगे हम 5 × 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड हो जाता है, राइट। तो 5 × 5 और 3, 8/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15/4, राइट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 8 × 15 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई यानी कि 5 × 4, तो 5 × 5 = 15, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 8, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 × 3 और नीचे क्या बचा 1 × 1, यानी कि 2 × 3 = 6/1, यानी कि 6 इस पार्ट का आंसर हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्या है, ए पार्ट है 2 × 3/8 × 5 × 1/5, तो
मिक्स फ्रैक्शन है दोनों ही, तो 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दुनी 16, 16 और 3 19 बटे 8 क्रॉस 25, 25 और 1 26 बटा 5, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 19 क्रॉस 26 अपॉन 8 क्रॉस 5। अब हम देखेंगे कि जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, तो बचा हमारे पास 19 क्रॉस 13 अपॉन 5 क्रॉस 4। तो 19 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57 हासिल लगे 5, 19 एकम 19, 20 21 22 23 24 बटे 20, राइट। तो इस पार्ट का आंसर हो गया 247/20। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है 2 सही 2/9 क्रॉस 3/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 9 से, तो 9 दुनी 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20/9 क्रॉस 3/5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 20 क्रॉस 3/9 क्रॉस 5, तो जो कट रहा है उसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे, 3 3 9, तो बचेगा हमारे पास 4 क्रॉस 1/3 क्रॉस 1, यानी कि 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है 4/3। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, सी पार्ट है 1 सही 1/2 क्रॉस 2 सही 2/9, तो 2 2 एकम 2, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, 2 एकम 2 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 3/2 क्रॉस 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दुनी 10, 10 और 2 12/5। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 छंग 12, राइट। तो ऊपर हमारा बचता है 3 क्रॉस 6/5 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 5 6 3 18/5। तो यही इस पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1 सही 2/3, तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसमें, तो करेंगे 2 क्रॉस 4/5 और ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, नीचे 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला 2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5/3, राइट। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या है 2 क्रॉस 4 क्रॉस 5 और नीचे क्या है 5 क्रॉस 3। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, राइट, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2 क्रॉस 4/3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 4 दुनी 8/3, तो इस पार्ट का आंसर आ गया 8/3। लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे 3 को, या तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, और बुक में हमारा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो 3 दुनी 6, तो 2 बचा, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेशेंट है और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, राइट। तो क्यू हमारा इधर आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है और डिवीज़र नीचे आता है, तो इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं जो कि बुक में दिया गया है। बी हम देखेंगे, बी है बी पार्ट, तो इसमें ये 2 मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 और 6 दुनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17/6 क्रॉस 18/85। अब इसको भी हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 28 29 30 31 32 33 34 35, तो 35/9, राइट। अब वही ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 17 क्रॉस 18 क्रॉस 35/6 क्रॉस 85 क्रॉस 9। अब देखेंगे जो कट रहा है उसको हम काटने का प्रयत्न करेंगे, 17, अब हमें टेबल याद होनी चाहिए, 17 5 85,
पाँच से काटेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच सत्ते पैंतीस, छः से काटेंगे, छः एकम छः, छः तियाँ अठारह। अब तीन से काटेंगे, तीन तियाँ नौ। तो ऊपर हमारे पास क्या बचता है, ओनली सेवन बच रहा है, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, थ्री बच रहा है। अब बुक में हमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो सेवन को हम थ्री से डिवाइड करेंगे, तो तीन दूनी छः, एक बचा, तो ये क्या आ गया हमारा क्यू, और ये क्या आ गया रिमाइंडर, ये क्वेशेंट और ये रिमाइंडर। तो क्वेशेंट इधर आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और डिवीज़र नीचे आता है। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक सत्ते सात, सात और दो नौ, एक और सात की मल्टीप्लाई करेंगे तो सात आएगा, सात में दो जोड़ेंगे तो नौ आएगा, नौ बटा सात क्रॉस थ्री क्रॉस टू, और एट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ दूनी सोलह, सोलह में पाँच जोड़ेंगे तो इक्कीस बटे आठ, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन क्रॉस थ्री क्रॉस ट्वेंटी वन अपॉन सेवन क्रॉस एट। तो जो कट रहा है उसको काटने का प्रयत्न करेंगे, सात एकम सात, सात तियाँ इक्कीस, राइट। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो आठ तियाँ नौ तियाँ सत्ताईस, जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं, नाइन क्रॉस थ्री अपॉन एट, तो ये हो जाता है हमारा नाइन, और तीन तियाँ नौ अपॉन आठ, तो ये हो जाता है नौ ने इक्यासी बटा आठ, राइट। अब इक्यासी को हम आठ से डिवाइड करेंगे, आठ एकम आठ, एक उतारा बार नहीं गया ज़ीरो बढ़ाया, आठ एकम आठ, दो बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं नहीं इतना नहीं, इतना लंबा हम नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 81 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8 और एक बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 बार जाएगा, 8 दाई 80, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 सही 1 बटा 8, दस अट्ठे अस्सी, और ये इक्यासी बटा आठ, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, रवि यूज्ड वन सही टू बाई फाइव बैग ऑफ सोइल फॉर हिज गार्डन। रवि अपने गार्डन बना रहा है जिसमें वो वन सही टू बाई फाइव बैग सोइल यूज़ करता है। ही इज़ डिगिंग अनदर गार्डन, वह एक दूसरा गार्डन खोदता है। That will need 1/5 as much soil the original। मतलब वो उस गार्डन में जो उसने पहले सॉइल यूज़ करी है ना, ये 1/2/5, इसका 1/5 वो क्या करता है, यूज़ करता है। How much soil will he use in total? तो उसने कितनी सॉइल यूज़ की टोटल, वो हमें बतानी है। तो हम लिखेंगे रवि यूज्ड सॉइल इन फर्स्ट गार्डन इज इक्वल टू वन सही टू बाई फाइव बैग्स, राइट। यही है कि रवि ने कितनी सॉइल यूज़ करी है, वन सही टू बाई फाइव बैग्स, राइट। अब हम लिखेंगे रवि यूज्ड सॉइल इन अनदर गार्डन, उसने दूसरा गार्डन खोदा है तो उसमें कितनी कर रहा है, वो उसमें कितनी सॉइल यूज़ कर रहा है, तो उसमें कर रहा है 1/5 ऑफ 1/2/5 बैग्स। ओरिजिनल की कर रहा है ना, ओरिजिनल का मतलब प्रारंभिक, जो पहले उसने यूज़ करी है उसका 1/5। तो इसको हम लिख देंगे 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/2/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 1/5 क्रॉस पाँच एकम पाँच और दो सात बटा पाँच, राइट। तो ये आ गया हमारा 1/5 क्रॉस 7/5, तो ये आ गया 7/25, राइट। तो अनदर गार्डन में उसने कितनी करी, 7/25, और पहले गार्डन में कितनी करी, 1/2/5। तो हम लिखेंगे सॉइल यूज्ड इन टोटल,
कितनी हो जाएगी 7/25 में हम ये जोड़ देंगे 1 सही 2/5 पाँच एक हम 5 और 2 7/5 राइट। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 25, 25 एकम 25, 7 एकम 7, 5 25 5 7 35 नीचे से डिवाइड, 5 25 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो ये आ जाएगा 35 और 5 40 और 2 42/25 राइट। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 42 को 25 से, तो 25 एकम 25, तो ये बचेगा 12 में से 5 गया 7 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्वेशेंट और ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। तो 1 सही 17/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2C एक्सरसाइज आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 2D।